नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा थोरिया। अगले महीने यानी कि नए साल की शुरुआत में आम आदमी को एक और झटका लगने वाला है। जी हाँ, जनवरी 2022 से एटीएम से कैश निकालना अब महंगा हो जाएगा। आरबीआई ने सभी बैंकों को 1 जनवरी 2022 से एटीएम ट्रांजैक्शन के चार्जेस बढ़ाने की अनुमति दे दी है। अब 1 जनवरी से ग्राहकों को मुफ्त एटीएम ट्रांजैक्शन की सीमा पार करने पर ज़्यादा भुगतान देना होगा। यानी कि अब आपके एटीएम पर जितने फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा दी गई है, उसे ज़्यादा इस्तेमाल करने पर पहले की तुलना में बैंकों को ज़्यादा पैसे देने होंगे। रिजर्व बैंक के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक फ्री ट्रांजैक्शन की मंथली लिमिट के बाद बैंक ग्राहकों को अब ज्यादा पैसे देने होंगे। अभी ये हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए की दर से वसूला जाता है, लेकिन 1 जनवरी 2022 से ये बढ़कर प्रति ट्रांजैक्शन 21 रुपए हो जाएगा। ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह के ट्रांजैक्शन पर लागू होगा। आपको बता दें कि दरों में बदलाव 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। फिलहाल ग्राहकों के लिए बैंक के एटीएम से कैश और नॉन कैश ट्रांजैक्शन करने पर एक महीने में 5 वित्तीय ट्रांजैक्शन मुफ्त है। इसके बाद हर वित्तीय ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए चार्ज लगता है, लेकिन नए साल से ये चार्ज 21 रुपए होगा। अभी की तरह मेट्रो शहर में किसी अन्य बैंक के एटीएम से 3 ट्रांजैक्शन और नॉन मेट्रो शहरों में दूसरे बैंकों के एटीएम से 5 ट्रांजैक्शन मुफ्त मिलती रहेंगी। आपको बता दें कि इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने बैंकों को वित्तीय लेन देन के लिए प्रति लेन देन इंटरचेंज शुल्क 15 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए और सभी केंद्रों में गैर वित्तीय लेन देन के लिए 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए करने की भी अनुमति दी थी। ये दर 1 अगस्त 2021 से ही प्रभावी हो गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।